हेलो एवरीवन, गुड न्यूज़ फॉर ऑल द बैंकिंग एस्पिरेंट्स। सो फाइनली IBPS PO की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। टोटल 3049 वैकेंसी आउट की गई हैं। आओ इस वीडियो में हम पूरी नोटिफिकेशन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, सारे इंपॉर्टेंट डेट। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक, और पेमेंट की डेट भी यही है 1 अगस्त से 21 अगस्त। उसके बाद आपके प्री के जो एडमिट कार्ड है वो सितंबर में रिलीज़ होंगे। अभी एग्जैक्ट डेट्स नहीं आई हैं, एक और नोटिस निकलेगा। एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होगा? सितंबर और अक्टूबर लिखा है, तो या तो सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में। उसके बाद इसका रिज़ल्ट साथ में आ जाएगा अक्टूबर, अगर अक्टूबर के स्टार्टिंग में हुआ तो एंड तक रिज़ल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद क्या है, जो प्री क्वालिफाई कर जाएंगे उनका मेंस एग्जामिनेशन होगा। मेंस में क्या आएगा, सबसे पहले मेंस आपका अक्टूबर नवंबर में आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन आएंगे। उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो मेंस का होगा वो नवंबर में होगा। उसके बाद जो रिज़ल्ट है मेंस का वो दिसंबर में होगा। देन इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर्स आएंगी वो जन फेब में आ सकती हैं, और लास्ट में फाइनल जो अलॉटमेंट है वो अप्रैल 2024 में आपकी ज्वाइनिंग लेटर्स आ जाएंगे। इसके बाद देखते हैं एज लिमिट क्या होगी। मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स जिनकी एज है वो सभी ये पेपर को भर सकते हैं। अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1993। जिनका बर्थ 1993 से पहले है वो एग्ज़ाम नाफिल करें, एंड जिनका बर्थ 1 अगस्त 2003 के बाद है वो भी नाफिल करें। इस डेट के बीच वाले ही इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। उसके बाद रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। ST को 5 ईयर्स की, BC स्टूडेंट्स को 3 ईयर्स की, डिसेबल स्टूडेंट्स को 10 ईयर्स की, एंड एक्स सर्विस मैन को 5 ईयर्स की। आगे देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए। एक डिग्री चाहिए, चाहे आपने CA की है, BCom की है, BA की है, BSc की है, कोई भी डिग्री चलेगी। इट इज़ मस्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे बढ़ो, द कैंडिडेट्स मस्ट पोसेस वैलिड मार्कशीट डिग्री, ही और शी इज़ अ ग्रेजुएट ऑन द डे ही शी रजिस्टर एंड इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन ग्रेजुएशन। आप जब एग्ज़ाम को फिल कर रहे हो तब तक आपके पास, सपोज करो आप अभी फाइनल ईयर में हो, तो आपका मेन क्या है, यहाँ पे मेंशन किया है कि 21/8 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आपके पास एक मार्कशीट होनी चाहिए जिस पे प्रॉपर मार्क्स हो, चाहे डिग्री मिले ना मिले, ठीक है। उसके आगे एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहेगी। जितने भी SC ST स्टूडेंट हैं उनकी 175 रुपीज़, और बाकी सारे अदर कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज़ फ़ी रहेगी। और अगर आप कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन के चार्जेस एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो आप खुद ही बियर करेंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या एग्ज़ाम। हाँ जी, सो बैंकिंग पैटर्न हमेशा की तरह सेम ही है। पहले Tier 1 होगा प्री एग्ज़ाम। Tier 1 में इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग आएगी। इसके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। सबके लिए इंडिविजुअल टाइम है, सेक्शनल टाइमिंग है 20-20 मिनट्स का। जैसे 20 मिनट्स के लिए इंग्लिश का सेक्शन ओपन होगा, आफ्टर 20 मिनट्स स्क्रीन विल क्लोज। देन मैथ्स 20 मिनट्स के लिए आएगी, देन रीजनिंग। आगे पढ़ो, कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट। सपोज करो इसकी क्वालिफाइंग मार्क्स 10 है, इसकी 12 है, इसकी 11 है। क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए, 33, ठीक है। यहाँ पे भी 33 आ गए टोटल मार्क्स, ठीक है, 33 आ गए। सपोज करो आपके 42 मार्क्स हैं, आपने पेपर तो क्वालिफाई किया, लेकिन सपोज करो इसमें आपके 8 नंबर आए हैं, आपके कम नंबर आए हैं, क्वालिफिकेशन से कम है जितने क्वालिफाई के लिए चाहिए, सो आपका पूरा एग्ज़ाम एग्जामिन ही नहीं किया जाएगा। सो इंडिविजुअली कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी। उसके बाद जिनका प्री का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उनका मेंस का एग्जामिनेशन होगा। अब मेंस का पैटर्न क्या है, सबसे पहले आएगी रीजनिंग और कंप्यूटर, जिसमें 45 मार्क्स हैं, 45 क्वेश्चन है कितने 60 मार्क्स के। देन आएगी जर्नल इकोनॉमी बैंकिंग, ठीक है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। उसके बाद इंग्लिश 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स। देन डाटा इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स। एंड लास्ट टोटल क्या बना, 155 क्वेश्चन बनेंगे 200 मार्क्स के। इसमें सब में सेक्शनल टाइमिंग अलॉट किया, टोटल 3 आवर्स का पेपर होगा ये। उसके बाद अब इसमें ऐड हुआ है
इंग्लिश लैंग्वेज का रिटन टेस्ट। अब ये रिटन टेस्ट आपने कॉपी पेन पे नहीं लिखना, ये टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें दो ऐसे दो लेटर आएंगे, एक ऐसे अटेम्प्ट करना है और एक लेटर अटेम्प्ट करना है। ये 30 मिनट्स का होगा, ये आपका होगा मेंस का। उसके बाद जिनका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा उनको आगे सिलेक्शन होगी, देन इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं कितनी आउट हुई हैं, 3049। यहाँ पे देखो एक बैंक, 2, 3, 4, 5, अभी तक सिर्फ 5 बैंक्स ने अपनी वैकेंसीज आउट की हैं, उस अकॉर्डिंग 3049 है। सो पूरी पूरी उम्मीद है कि ये आगे और बढ़ सकती हैं, क्योंकि बाकी बैंक्स भी अपनी पोस्ट को आउट करेंगे। सो प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दें, अभी आपके पास 1.5 महीने के आसपास है। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।